नमस्कार। आज का विषय है रेखा एवं कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह विषय पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर रेखाएं और कोण का प्रयोग होता हो। जैसे कि अगर आप इन रेल की पटरियों को देखेंगे तो ये दो रेखाओं से मिलकर बनी हैं। अगर इस साइकिल के पहियों को देखेंगे तो इसमें जो तार हैं वो भी रेखाखंड हैं। इस झूले में देखेंगे तो आपको एक कोण नज़र आएगा और ये कोण बहुत उपयोगी होता है कि झूले का निर्माण कैसे किया जाए। साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे जो मछली पकड़ रहा है, अगर उसमें भी देखेंगे तो भिन्न भिन्न कोण बन रहे हैं, जो काफ़ी ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि हमें कांटा कहाँ फेंकना चाहिए और कितनी दूर फेंकना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखाखंड क्या होती है, उसके पश्चात हम रेखा और किरण के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम कोण के युग्म के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के कोण युग्म होते हैं, और उसके पश्चात हम रेखा युग्म के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रेखा युग्म होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाखंड, रेखा और किरण क्या होते हैं। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है और इसके दो अंत बिंदु भी होते हैं। रेखा यानी कि लाइन, अगर हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ा दें तो हमें रेखा प्राप्त होगी। किरण यानी कि रे, अगर हम रेखाखंड के किसी भी एक बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाएं तो हमें किरण प्राप्त होगी। किरण का सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। आइए रेखाखंड, रेखा और किरण के चित्र भी देखते हैं। यह एक रेखाखंड है, आप देखेंगे इसकी एक निश्चित लंबाई है। यह एक रेखा है, इसके तीर दर्शाते हैं कि ये इन दिशाओं में अपरिमित रूप से आगे जा सकती हैं, यानी कि कोई इसकी एक निश्चित दूरी नहीं है। और इसे देखिए, यह है एक किरण, किरण का सिर्फ एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ तीर यह दर्शाता है कि उस दिशा में यह कितने भी आगे तक जा सकती है। आइए अब हम जानते हैं कोण युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दो कोण हैं। पहला कोण 50 अंश का है और दूसरा कोण 40 अंश का है। अगर इन दोनों कोणों के मापों का योग अगर आप देखेंगे तो 50 अंश धन 40 अंश बराबर 90 अंश होगा, यानी कि ये दोनों कोण पूरक कोण होंगे। आइए कोण युग्म में अब हम दूसरे नंबर पर जानेंगे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ये कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, पहला कोण है 45 अंश का और दूसरा कोण 135 अंश का है। अगर इन दोनों कोणों के मापों को हम जोड़ेंगे यानी कि 45 अंश धन 135 अंश तो हमें 180 अंश प्राप्त होगा, यानी कि ये दोनों कोण संपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। आइए अब हम कोण युग्म में तीसरे नंबर पर आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोणों के ऐसे युग्म को हम आसन्न कोण कहते हैं जिनमें सबसे पहले एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दूसरा उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, और तीसरा कि जो दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हों, यानी कि जो उभयनिष्ठ भुजा है एक भुजा उसके एक तरफ हो और दूसरी भुजा उसके दूसरी तरफ हो। आइए अब हम कोण युग्म में चौथे नंबर पर रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर के बारे में देखेंगे। रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। अगर आप इसे चित्र से देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर दो कोण हैं, पहला कोण ए बी डी और दूसरा कोण डी बी सी। इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कि बी है, एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कि बी डी है, और जो दो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ए बी और बी सी वो एक दूसरे के विपरीत तरफ हैं, यानी कि वो दोनों किरणें एक रेखा का निर्माण कर रही हैं, वो रेखा ए सी है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि ये दोनों कोण संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री कोण्स भी हैं,
क्योंकि पहला कोण ए बी डी है और दूसरा कोण डी बी सी, दोनों का योग 180 अंश आएगा, इसलिए ये दोनों साथ ही साथ संपूरक कोण भी होंगे। आइए अब हम सबसे अंतिम कोण युग्म यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं, तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। इनकी एक खास विशेषता है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। आप चित्र में देखेंगे ये दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनसे चार कोण बन रहे हैं। उनमें देखेंगे जो दो आमने सामने कोण हैं 75 अंश के और दो आमने सामने कोण हैं 105 अंश के, तो इन युग्म को हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म कहते हैं। और आप देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर भी हैं, जो एक युग्म है वो 75 अंश के बराबर है और दूसरा युग्म 105 अंश के बराबर है। आइए एक सरल से उदाहरण से इन कोण युग्मों को और स्पष्ट करते हैं। संलग्न आकृति में हमें निम्नलिखित की पहचान करना है। सबसे पहले आसन्न कोणों के पांच युग्म के बारे में जानना है। तो देखते हैं हम इसका कि उत्तर क्या है। आसन्न कोणों के पांच युग्म निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कोण है AOE और EOC। अगर आप देखेंगे AOE और EOC में एक उभयनिष्ठ बिंदु O और एक उभयनिष्ठ भुजा OE है, साथ में जो दो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है OA और OC, वो दोनों विपरीत दिशा में हैं। उसी प्रकार अगर आप दूसरे कोण EOC और COB के बारे में देखेंगे तो उनमें भी यही है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष O, एक उभयनिष्ठ भुजा OC और दोनों जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो विपरीत तरफ हैं। तीसरे युग्म यानी कि AOC और COB को देखेंगे तो उसमें भी यही है। चौथे युग्म COB और BOD को देखेंगे तो उसमें भी यही विशेषता है। और पांचवे युग्म EOB और BOD को देखेंगे तो वो भी यही विशेषता के कारण आसन्न कोणों का युग्म है। आइए अब हम इस उदाहरण का आगे का भाग करते हैं। अब हमें तीन रैखिक युग्मों को खोजना है, तो देखते हैं तीन रैखिक युग्म कौन कौन से हैं। सबसे पहला युग्म है AOE और EOB का। अगर आप देखेंगे तो AOE और EOB दोनों आसन्न कोणों का युग्म तो है ही, और साथ में OA और OB, ये दो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वो एक दूसरे की विपरीत तरफ हैं। ऐसे ही दूसरा युग्म है AOC और COB, इसमें भी जो दो भुजाएं हैं OA और OB, वो एक दूसरे के विपरीत तरफ हैं और साथ ही साथ उभयनिष्ठ नहीं हैं। तीसरे युग्म में भी इसी तरह COB और BOD है, उसमें जो दो उभयनिष्ठ भुजा नहीं हैं OC और OD, वो एक दूसरे के विपरीत तरफ हैं। तीसरे भाग में हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के दो युग्मों को खोजना है, तो देखते हैं वो कौन कौन से होंगे। वो होंगे पहला COB और AOD, COB और AOD, और दूसरा AOC और BOD। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो रेखाएं हैं AB और CD, वो दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इससे जो दो 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 कोणों के युग्म बन रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। तो उन्हीं युग्म में से COB AOD एक युग्म है और AOC BOD दूसरा युग्म है। आइए अब हम जानते हैं रेखा युग्म यानी कि पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। यदि दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, यह उभयनिष्ठ बिंदु उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। अगर आप स्केची को देखेंगे तो इसके जो दोनों भाग हैं वो एक तरह से दो रेखाएं हैं, और ये जिस बिंदु पर जुड़ी हुई हैं वो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। आप इन लाइनों को भी देखेंगे तो यहाँ AE एक रेखा है और दूसरी रेखा BD है, तो इन दोनों रेखाओं में C इनका उभयनिष्ठ बिंदु है और इस उभयनिष्ठ बिंदु को इनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को C पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आइए अब हम रेखा युग्म में दूसरी यानी कि तिर्यक छेदी रेखा, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक ऐसी रेखा जो दो या उससे अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे एक रेखा ए है और दूसरी रेखा बी है, तो ये जो लाल रंग की रेखा है वो इन दोनों रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रही है, तो इसलिए इस रेखा को हम तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। आइए तो देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा।
सबसे पहले तो हमने रेखाखंड के बारे में जाना कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, और फिर हमने उसको विस्तारित करके रेखा और किरण के बारे में जाना कि वो क्या होते हैं और उनका हम निर्माण रेखाखंड से कैसे करते हैं। तत्पश्चात हमने कोण युग्म के बारे में जाना और देखा कि पांच तरह के कोण युग्म हमने पढ़े। सबसे पहला पूरक कोण, दूसरा संपूरक कोण, तीसरा आसन्न कोण, चौथा रैखिक युग्म, पांचवा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तत्पश्चात हमने रेखा युग्म के बारे में पढ़ा। तो हमने इस वीडियो में दो रेखा युग्म देखे, सबसे पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं और दूसरा त्रिरेखाछेदी रेखाएं। धन्यवाद। थैंक यू।